महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है सावन का महीना चल रहा है। जी हाँ, हम सब भोले बाबा को चाहते हैं कि इस प्रकार से पूजा विधि करें ना कि बाबा जल्द से जल्द खुश हो जाएं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। और मैं इसी श्रृंखला में आप लोग के लिए हर दिन एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ। ट्राई करती हूँ आपके साथ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ जो यूजफुल भी हो और साथ में आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो उन टिप्स को यूज करके। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको किस टाइप के शिवलिंग का अभिषेक करने से या शिवलिंग का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है उसके पहले कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और साथ में जितने भी डिवोटीज हैं ना भोले बाबा के, आपको पता है, आप उनके साथ शेयर करें। देखिए, यहाँ पे आप दो काम कर रहे हैं। एक तो आप ज्ञान का दान कर रहे हैं। जी हाँ, आपको नॉलेज मिले, आप शेयर करें तो ये भी एक टाइप का दान हुआ ना, किसी और को आपकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, तो एक छोटा सा यज्ञ ही हुआ, इसका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, धर्म के काम में हमें हमेशा आगे होना चाहिए। ठीक है, कर भला तो हो भला। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। अब मैं आपके साथ वन बाई वन डिस्कस करती हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। फ्रेंड्स, अगर कि आप में से कोई भी भक्त चांदी से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जी हाँ, आपको सोने की दुकान पे, सोनार की दुकान पे चांदी का शिवलिंग आराम से मिल जाएगा। ले आइए आप और सोमवार के दिन से स्टार्ट कर दीजिए, मंडे के दिन से उनका अभिषेक करना। अगर आप सिल्वर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ना, तो ऐसा करने पर जो हमारे पितर होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। अब ये जो टिप है ना, ये उनके लिए यूजफुल है। सपोज जिनके माता पिता के देहांत हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, जी हाँ, हम सब हमेशा यही तो सोचते हैं कि भगवान की पूजा तो मोस्टली हम या तो डर से करते हैं या फिर इस विश से करते हैं कि हमारी विश प्रभु जी पूरी कर दें। मोस्टली तो यही चीज़ें होती हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर प्रभु की भक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत कम लोग आराधना करते हैं। पर मुझे पता है आप में से बहुत सारे मेरे डिवोटीज ऐसे भाई बहन हैं जिनकी यही मनोकामना होती है कि उन्हें मोक्ष मिल जाए या प्रभु का धाम मिले या प्रभु का सायुज्य मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आपको स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, जी हाँ, तो आपको ऐसे केस में आयन के शिवलिंग की ला करके पूजा करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए, जिसे हम लोहे का शिवलिंग भी बोलते हैं। बस एक बात यहाँ याद रखेंगे आप, यहाँ पे मारण प्रयोग नहीं करेंगे आप, जी, क्योंकि भगवान के लिए हम सभी एक समान हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपके शत्रुओं के मन में जो आपके प्रति बैर भाव है उसे दूर करके आपके प्रति उनके मन में सद्भाव ला दें, ये प्रार्थना आप करेंगे। अब आपके में से किसी घर में कोई बहुत दिन से बीमार है, जी हाँ, तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में ना, या तो रोगी मीन्स जो पेशेंट है वो, या फिर अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप उनके प्लेस पे करें, आटे का शिवलिंग बना लें। जी हाँ, करना क्या है, आटे का शिवलिंग आपको बनाना है, बहुत ईजी है। आटे का शिवलिंग बना करके फिर आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक कैसे, जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या फिर आप जो भी शिवलिंग आपके घर में जिनका अभिषेक करते हैं, सेम विधि विधान से उसी तरह से आपको आटे के शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपने आटे के शिवलिंग का अभिषेक कर लिया, सपोज आपने ये मंडे, कल मंडे समझिए, और आपने अभिषेक किया, अब आप क्या करेंगे, अब अभिषेक करने बाद नेक्स्ट दिन ट्यूजडे के दिन आप उस शिवलिंग को किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। आसपास में कोई सरोवर है, कोई तालाब है, पौंड है, या फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे ले जाके उनको सम्मा अच्छे से रख दें। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपने आज पूजा की और कल उठा के बाहर फेंक दिया खिड़की के, ऐसा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के सुख मिले, जी हाँ, सुख की प्राप्ति के लिए ना आपको मक्खन से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मक्खन ले आइए या मक्खन घर में निकाल लीजिए, उनसे शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करिए, देखिए सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और फ्रेंड्स, अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लाइफ में नेम और फेम मिले, जी हाँ, बहुत बार ऐसा मन होता है ना हमारा कि काश हमारा, हमें सब लोग पहचाने, हमारे सोसाइटी में एक रिपूटेशन बने, या फिर आप एक यूट्यूबर हैं, आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए,
आपको नीलम से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए नीलम के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, जी हाँ माता महालक्ष्मी की कृपा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पुखराज, जिसको हम येलो सफायर बोलते हैं, येलो सफायर के बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ जो है बहुत लंबी हो, उनको दीर्घायु मिले, जी हाँ लाइफ काफ़ी लॉन्ग हो, तो आपको ऐसे केस में हीरे से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के जो भी रोग दोष हैं उनका नाश हो जाए रोगों का, तो आपको मोती से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ, मोती से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। या फिर लंबी आयु की प्राप्ति के लिए आप तांबे के शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप सपोज आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हीरे का शिवलिंग या फिर पुखराज का शिवलिंग, तो आप तांबे के शिवलिंग को ले आइए, उनका अभिषेक करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सत्यलोक मीन्स स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिसे हम सत्यलोक कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको सोने के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ, जो शिवलिंग आप जिनका अभिषेक कर रहे हैं सोने के हों, उनका अभिषेक करिए आप। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर आपका घर धन धान्य से भरा पूरा रहे, कभी अन्य की कमी नहीं हो, तो आपको गुड़ से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आप गुड़ खरीद के लाइए और उससे, जिसको हम जैगरी बोलते हैं, खुद शिवलिंग बनाइए और उनका अभिषेक करिए। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, जी हाँ चारों पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबकी प्राप्ति आप चाहते हैं ना, तो आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग मीन्स वॉट? मिट्टी से बना करके शिवलिंग, आप उनका प्रतिदिन पूजन करें। ऐसा करने से आपको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप देख लीजिए आपको किस प्रकार के, किस टाइप के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है, अभिषेक करना है। अभी भी आपके पास में 3 सोमवार हैं, 3 मंडे हमारे पास अभी भी हैं, तो आपके पास बहुत समय है। आप इस मंडे ही ले आइए शिवलिंग और फिर उनका अभिषेक करके पूजा अर्चना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे और भी डिवोटी से शेयर करें। हमारे सनातन धर्म के बारे में आज बहुत कम लोगों को ज्ञान रह गया है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ज्ञान का प्रसार करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।